आप मेरे तरह 90s या अर्ली 2000 के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको ये बात जरूर याद होगा कि आपको कभी ना कभी बदमाशी करने के कारण या पढ़ाई ना करने के कारण टीचर से मार जरूर पड़ा होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि वही टीचर अगर बहुत ब्रूटल हो जाता है, लेकिन इसके वजह से आप उस टाइम जब आप एक स्टूडेंट थे आपके पेरेंट्स उतना सपोर्टिव नहीं था, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अभी आप रिसेंटली लगभग 12 से 15 साल बाद आप उसी टीचर के खिलाफ केस करना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है? सभी लोग अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर भी ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सभी लोग एक क्लासरूम में लगभग बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट रहते होंगे, जो कुछ स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा होता है, कुछ स्टूडेंट खेल में अच्छा होता है, या कुछ स्टूडेंट बैक बेंचर्स होते हैं मेरी तरह, जो थोड़ा बहुत बदमाशी करता है और इसी की वजह से उसको पनिशमेंट भी मिलता है। लेकिन वही टीचर उसको पनिश ना कर कर अगर उसको पीटता है, ब्रूटली पीटता है, और वो चाहता है कि उस टाइम उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं किया था इसलिए वो केस नहीं कर पाया था, लेकिन अभी 15 साल बाद वो केस करना चाहता है, तो मेरे लोग वो क्या केस कर पाएगा? वैसे मेरे लोग वो अगर केस करना चाहता है तो उसे सेक्शन 323 IPC के मुताबिक फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इसका एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो गैप है, मतलब 15 साल का जो गैप है, क्या उस कंप्लेंट को पुलिस द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा? सभी लोग लॉ के मुताबिक उस कंप्लेंट को पुलिस द्वारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉ में कुछ बार है। एज पर सेक्शन 468 CRPC एक क्राइम जिसका पनिशमेंट 1 साल तक का है, और सेक्शन 323 मतलब वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट उसका पनिशमेंट 1 साल तक का है। जब भी किसी भी ऑफेंस का पनिशमेंट 1 साल तक का होता है तो वो 1 साल के अंदर, मतलब उसका कंप्लेंट 1 साल के अंदर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाना है। तो वे लोग लिटरली कहा जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आप केस नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो और आपके टीचर आपके बदमाशी करने के कारण या आपके पढ़ाई अच्छी तरह से ना करने के कारण आपको पनिश नहीं करता है, उसके बदले में आपको ब्रूटली पीटता है, तो इस सिचुएशन में आप चाहो तो सेक्शन 323 CRPC के मुताबिक कंप्लेंट कर सकते हो, और इस कारण अगर टीचर को दोषी पाया जाए तो उसको लगभग 1 साल तक का सजा हो सकता है। सो वीडियो के वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।